भीम आर्मी के संरक्षक जय भगवान जाटव, आज से नहीं, आज काफी वर्षों से आप उम्र के पड़ाव पे हैं और समाज सेवा कर रहे हैं, समाज के दर्द को जानते हैं। आज 6-7 महीने से चंद्रशेखर आजाद जेल के अंदर बंद थे और जब उनकी जमानत हुई तो न जाने किस कारणवश उन पर आंसुका लगा दी गई है। आइए हम जय भगवान जाटव जी से पूछते हैं कि ये जो कारण हुआ, ये किस तरीके से हुआ। सर, ये जो ये घटना क्रम हुआ, इसका क्या तात्पर्य रहा? इसका ये है, ये यहाँ की जो योगी सरकार है, मुख्य रूप से बीजेपी सरकार है, वो दलितों को देखना नहीं चाहती। हम इस देश के मूल निवासी हैं, हमारी संख्या यहाँ 25% से ज़्यादा है। ये जिस तरह हमें दबाना चाहते हैं, वो समय अब निकल गया, अब हम दबने वाले नहीं हैं। जब उच्च न्यायालय ने, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उनको सब केसों में जमानत दे दी और उनको अगले दिन 11 बजे रिहा होना था, तो सवेरे 5 बजे ही उनको सोते को उठा करके उनके ऊपर नोटिस सर्विस किया। इससे भाजपा सरकार, योगी सरकार की नीयत का पता चलता है। हम इस नीयत को बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि देश में न्याय हो, हिंसा को कोई जगह ना हो। हिंसा करने से देश का नुकसान होगा, देश बर्बाद होगा। लेकिन यदि ये भाजपा के लोग, योगी सरकार इस तरह का चाहती है कि इस देश में हिंसा हो, तो हिंसा होगी तो वो जिम्मेवार है, हम जिम्मेवार नहीं है। हम हर कोशिश करेंगे कि हिंसा ना हो, लेकिन यदि हमारे ऊपर कोई हमले होंगे, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटेगी, रेप होंगे, आग लगाई जाएगी, घर जलाई जाएगी, तो अब हमने आदेश सब अपनी भीम आर्मी को दे दिया है, पूरे देश में दलितों को ये आदेश दे दिया है कि कहीं भी यदि होता है हमला, तो आप उसका जवाब उसी रूप में दें जिस रूप में आपके ऊपर हमला हुआ है। लेकिन पहले हम लोग हमला नहीं करेंगे, ये भी आदेश हमारा सब लोगों को है। लेकिन यदि हमें न्याय नहीं मिलता, पुलिस प्रशासन हमारी कोई कार्रवाई नहीं करती, निष्पक्ष नहीं रहती, तो हम लोग हिंसा होगी तो उससे भी करने से नहीं चूकेंगे। क्योंकि यदि हमें अदालतों से न्याय नहीं मिलता, खैरलाल जी में आपने देखा सारे लोग रिहा हो गए, किसी भी बेल छिपी बड़ा कांड हुआ सब रिहा हो गए, किसी भी आदमी को कोई दोषी करार नहीं दिया जाता। अदालतों पर हमारा विश्वास उठ गया है, अदालतें भी दकियानुसी हैं, उन लोगों को गवाही चाहिए, उन लोगों को प्रमाण चाहिए। हम प्रमाण कहाँ ला करके दें? खैरलाल जी में घटना हुई, ये सरकार की ड्यूटी है, अदालत की ड्यूटी है कि वो जिम्मेवारी फिक्स करे। जिसने उन पर अत्याचार किया उनको सजा होनी चाहिए थी। आज जो यहाँ शब्बीरपुर में हुआ, उसके रिएक्शन में जो 9 तारीख को मीटिंग हो रही थी शांतिपूर्ण मीटिंग में करके हम लोग मेमोरेंडम देने वाले थे DM को और SSP को, लेकिन वो मेमोरेंडम देने के बजाय वहाँ पर पुलिस ने अत्याचार किया, लठ बजाया, लोग इकट्ठा नहीं हुआ, जिनमें लोगों में रोष व्याप्त हुआ, उन्होंने रास्ते जाम किए। आज हम यहाँ लोग, हमारी ACP से SHO सबसे बात हुई है, हमने उनको कहा चलिए हम आपकी बात मानते हैं, क्योंकि आपस में बात बांध के भी चलना चाहिए। हमने जो ये आज का कार्यक्रम है, ये सिर्फ टोकन रूप से कर दिया है और यहाँ धारा 144 लगी है। हम लोग धारा 144 का सम्मान करते हैं, हम लोग किसी तरह भी 144 धारा नहीं तोड़ना चाहते। हमने वायदा किया है कि ना हम धरने में धरना देंगे, ना दरिया बिछाएंगे, ना यहाँ पर यहाँ नारेबाजी करेंगे। हम लोग मेमोरेंडम, जैसे SHO साहब ने वायदा किया कि आपका, हम ACP साहब ने वायदा किया कि आपका मेमोरेंडम दिलवा दिया जाएगा, हम लोग यहाँ मेमोरेंडम दे करके अपना डिस्पर्स हो जाएंगे। हम लोग यहाँ किसी तरह की हिंसा नहीं चाहते, हम अहिंसा में विश्वास करते हैं। लेकिन यदि हमारे साथ कोई कहीं भी किसी भी रूप में हिंसा होगी, हम उसका जवाब हिंसा से देंगे, पूरा समाज देगा। चाहे हम आज 35 करोड़ है, चाहे हमारे 5 करोड़ आदमी मारे जाए, तो भी हमें चिंता नहीं है, 30 करोड़ आदमी इसमें जिंदा रहेंगे। हमें 5000 साल से जो प्रताड़ित किया गया है, आज तब भी हम जिंदा हैं, 5000 साल से जिंदा हैं, हम आगे भी जिंदा रहेंगे। हमारे जो भी औलादे हैं, जो रहेंगी, वो इसका बदला लेंगी। ये देश हमारा है, हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम इसमें किसी तरह का भी हस्तक्षेप किसी का नहीं चाहते। हम चाहते हैं देश आज़ाद रहे, सब लोग इसमें अपनी अपनी ड्यूटी करें, भेदभाव ख़त्म हो, ऊंच नीच ख़त्म हो, जातिवाद ख़त्म हो, और जो धन धरती है, जो इस देश की संपदा है, उसमें सबका हिस्सा बटे, ये हमारी मांग है। और हम ये दूसरी हमारी जो मेन मांग है, जिसके लिए हम आज यहाँ आए हैं, वो है चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर जो रासुका लगाई है, वो उनकी मानसिकता का परिचायक है। हमारा योगी सरकार से कहना है, योगी जी आप होश में आइए और इंसाफ करिए। हम लोग किसी तरह का नाइंसाफ़ी हमारे जो कर रहे हैं, वो नाइंसाफ़ी बंद होनी चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद को तुरंत
आज ही उनको राज्य को हटा देनी चाहिए। इसी में देश की भलाई है, सबकी भलाई है, उत्तर प्रदेश की भलाई है। यदि आप इस तरह का नहीं करेंगे तो जो भी परिणाम होंगे वो आप जाने, लेकिन जो आप दकियानुसी विचार रखते हैं उसके ऊपर राष्ट्र का जबरदस्ती लगाई है। यदि राष्ट्र का बनती थी तो आपको 4 महीने पहले लगा देना चाहिए था। आज जब जमानत होगी फिर राष्ट्र का लगानी, ये आपकी जो मनोभावना है वो प्रतीत होती है। इसलिए हम इसका विरोध करने के लिए आए हैं। हम आपको एक मेमोरेंडम दे रहे हैं और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, वो बात ये है कि संविधान का पालन होना चाहिए। जिस दिन हम संविधान का पालन करना बंद कर देंगे तो इन बड़ी बड़ी कोठियों में हम होंगे और जो कोठियों में रह रहे हैं ये कल लोग झुग्गियों में आकर रहेंगे, हम इनको झुग्गियों में बसा देंगे, ये हम कहना चाहते हैं। इसलिए कानून का पालन होना चाहिए, संविधान का पालन होना चाहिए। नहीं करेंगे तो इन अमीर आदमियों को ही इसका नुकसान होगा, गरीब आदमी के पास है कुछ नहीं जो जाएगा। इसलिए इंसाफ हो हम ये चाहते हैं और राष्ट्र का तुरंत हटाई जाए। योगी सरकार आप समझ जाओ, मैं मेमोरेंडम दे रहा हूँ, मेमोरेंडम में मैंने ये सारी बातें लिखी हैं, उनको चेतावनी दी है, देश को चेतावनी दी है, बताया है कि इस देश में क्या क्या हो सकता है यदि आप इस तरह के विचार रखेंगे तो। इसलिए न्याय करिए, सबके साथ न्याय करिए, कोई भी छोटा बड़ा कोई भी धर्म का आदमी हो, सबके साथ न्याय होगा, देश आराम से चलेगा, सब लोग खुशहाल होंगे। यदि यहाँ इस खुशहाली को बर्बाद करने का बीजेपी काम करेगी तो जितने उसके बीजेपी के आदमी हैं ये सब लोग संकट में पड़ेंगे, कोई बचा नहीं पाएगा, ऐसी मेरी सोच है। धन्यवाद।